और देश के हरदोई में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 6 वर्षीय बच्ची का खून से लखपत शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि बच्ची के रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के पिहानी अंतर्गत एक दिन पहले एक बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना पिहानी में दी थी, जिसका शव आज गन्ने के खेत में खून से लथपथ पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग वत्स ने घटना की बारीकी से जायजा लिया और बताया कि मंगलवार को रिश्ते में भाई लगने वाले युवक उनके घर पर आया हुआ था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताते चले कि माधोगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही युवक ने अश्लील वीडियो देखकर बच्ची से हैवानियत की थी। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। 17 तारीख की शाम घर से बाहर खेल रही 6 वर्ष की बच्ची लापता हो गई थी। 18 तारीख को गांव के बाहर झाड़ियों में उसका शव मिला। बच्ची के साथ हैवानियत कर उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। एसपी ने बताया कि गांव निवासी विनीत द्विवेदी ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने गांव में अवारा गर्दी करने वाले लड़कों की फोटो बनवाई थी और फिर लोगों को दिखवाया, जिसमें कुछ लोगों ने विनीत की फोटो को पहचाना कि वह घटना वाले दिन बच्ची के घर के आसपास देखा गया था। पुलिस हिरासत में विनीत ने बताया कि गुरुवार को उसने छोटी बच्ची से जुड़े अश्लील वीडियो खोजकर देखे थे और फिर वह नशे में निकल गया। उसके मकान से कुछ दूरी पर ही बच्ची खेल रही थी, उसने बच्ची को गोद में लिया और फिर झाड़ियों में ले जाकर हैवानियत की। थाना प्रभारी के अनुसार पूछताछ में विनीत ने बताया कि बच्ची उसे जानती थी और उससे चाचा कहती थी। यानी क्षेत्र के अंतर्गत ये एक सूचना मिली थी कि लगभग 6 वर्ष की एक बच्ची अपने घर से गायब है और इसी सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची की तलाश की है और गांव परिजनों के साथ गांव में जगह जगह बच्ची को तलाश की गई और उसमें ये बात पता चली कि जो इनका एक रिश्तेदार है, जो बच्ची का भाई लगता है रिश्ते में, उसने वो बच्ची को लेके गया था और उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो डेड बॉडी है बच्ची की वो रिकवर करी है और बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके बारे में आपको डिटेल में अवगत कराया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.